हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 जनवरी। 10 जनवरी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, की पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिएगा। आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, शेख हसीना किस देश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथी बार आम चुनाव में जीत कर हासिल की है। तो शेख हसीना कुल 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना किस पार्टी से संबंधित है? आवामी लीग पार्टी से संबंधित है। आवामी लीग पार्टी ने 300 सीट वाली संसद में 223 सीट जीत हासिल करके जो है जीत प्राप्त की है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2009 से अपनी सत्ता संभाल रही हैं। बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कुछ जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू जी हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। बांग्लादेश के संसद को जो है जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था और बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बात करते हैं भारत के राज्यों की जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य जो हैं अपनी बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो हाल ही में कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां की गई हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फेलिक्स ससेकेदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति बने हैं। शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के अमीर बने हैं। अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। एंड्री राजोइलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं और क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। लिव फ्रीडेन लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने हैं। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। अनवर उल हक काकर पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम बने हैं। तो ये थी कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की लिस्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर ने जीता है। 81वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह अमेरिका के कैलिफोर्निया में बेवरली हिल्स में आयोजित किया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में फिल्म बारबी को सबसे ज्यादा कुल 9 और ओपेनहाइमर को 8 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की अगर हम बात करें तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन दोनों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 1944 में लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया था और ये पुरस्कार जो है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया जाता है। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में जो है नाटू नाटू गीत आपने सुना ही होगा, तो नाटू नाटू गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाला पहला एशियाई गीत है। तो ये जो की पॉइंट्स है आप नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नादिया कैल्विनो बनी है। नादिया कैल्विनो को आप यहाँ पे देख सकते हैं, वे एक यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। कैल्विनो यूरोपीय देश स्पेन की अर्थशास्त्री हैं। नादिया यूरोपीय निवेश बैंक की 8वीं अध्यक्ष हैं। वे जर्मनी के वर्नर हॉयर की जगह लेने वाली हैं। यूरोपीय निवेश बैंक की स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय किर्चबर्ग लक्जमबर्ग में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हिम तेंदुआ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान, यानी कि हिम तेंदुआ को जो है किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हिम तेंदुआ किर्गिज संस्कृति में ऐतिहासिक रूप से जो है महत्वपूर्ण है। हिम तेंदुआ का जो है पैंथेरा अंसिया ये मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में जो है हिम तेंदुए के प्रमुख स्थान है देखिएगा, जैसे कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में जो स्थित है उसमें हिम तेंदुए पाए जाते हैं और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है वहां पे पाए जाते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, तो यहाँ पे भी पाए जाते हैं।
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, तो यहाँ पे भी हेम तेंदुए पाए जाते हैं। तो कुछ राज्य हैं जिनका राज्य पशु है हेम तेंदुआ, जैसे कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के हेम तेंदुआ जो है क्या है, राज्य पशु है, ये आप याद कीजिएगा। भारत में हेम तेंदुए की जनसंख्या लगभग 700 से 800 होने का अनुमान बताया जा रहा है भारत में, जबकि चीन में हेम तेंदुए की आबादी जो है सबसे अधिक है। किर्गिस्तान के बारे में हम जान लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी। किर्गिस्तान जो है आधिकारिक तौर पर किर्गिज गणतंत्र मध्य एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी बिश्केक है और मुद्रा सोम है। राष्ट्रपति सदिर जापारोव जी हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस राज्य के महाकाल लोक में प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के श्री महाकाल लोक में देश के पहले हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का जो है लोकार्पण किया गया है। प्रसादम को 1,75,00,000 रुपए की लागत से तैयार किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उज्जैन के बाद देश भर में 100 जगहों पर ये फूड स्ट्रीट खोले जाएंगे ऐसा कहा है। और यहाँ अलग अलग फूड स्टॉल होंगे जहाँ उज्जैन के स्थानीय व्यंजन भी मिलेंगे। तो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश की कुछ बेसिक जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी गठन जो हुई थी 1 नवंबर 1956 को, राजधानी भोपाल है, जिलों की संख्या 55 है। राज्यपाल मुंगभाई सी पटेल जी हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, और विधानसभा की 230 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश कौन कौन से राज्य की सीमा के साथ जो है अपनी सीमा साझा करती है। तो देखिएगा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है मध्य प्रदेश। तो देखिएगा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस राज्य के कंदम काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिला लेख खोजा गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में खोजा गया है। दक्षिणी गोवा के काकोड़ा में महादेव मंदिर में कंदम काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिला लेख खोजा गया है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें शिला लेख कन्नड़ और संस्कृत में लिखा गया है, और इस शिला लेख में तालारा नेवैया द्वारा अपने बेटे गुनैया की मृत्यु के बारे में कुटबद्ध किया गया है। बात कर रहे हैं गोवा के बारे में, तो गोवा की कुछ बेसिक जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी पणजी है, राज्यपाल पीएम श्रीधरन पिल्लई जी हैं, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं जो भाजपा पार्टी से संबंधित है। विधानसभा की 40 सीट हैं। गोवा जो है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गोवा राज्य की स्थापना जो है 30 मई 1987 को हुई थी, और 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाकर इसे पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि 9 जनवरी में महत्वपूर्ण प्रमुख दिवसों के बारे में हमने 2-3 बार जो है रिवाइज किया है करंट अफेयर में। अगर आप डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं फ्रेंड, तो आप जो है क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिएगा, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया जाता है, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे आपको आंसर देना है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। पहला प्रवासी दिवस 2003 में बनाया गया था। देखिएगा, 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उनकी याद में यह प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और महात्मा गांधी जी को महान प्रवासी का उपाधि भी मिला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जी राम मोहन राव बने हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने गोविंद या पल्ली राम मोहन राव को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। राव की यह नियुक्ति जो है साल 2027 तक होंगी, और सेबी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक डोमेन के तहत
देश में सिक्योरिटीज और कमोडिटी बाजार के लिए रेगुलेटरी बॉडीज है। सेमी की स्थापना की अगर हम बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है, मुंबई में स्थित है। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो हाल ही में की गई है। विकासशील एडीबी के कार्यकारी निदेशक बने हैं संजय कुलश्रेष्ठ, उडको के अध्यक्ष एवं एमडी बने हैं बी के मोहंती, इरेडा में जो है वित्त निदेशक बने हैं संतोष झा, श्रीलंका में भारत के नए राजदूत बने हैं सी एस राजन, कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल रस्कोत्रा, आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं जगदीप धनखड़, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के चांसलर बने हैं और अनीस दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं, नीना सिंह सीआईएसएफ की महानिदेशक बनी है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की लिस्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की टीम ने जीता है। भारतीय निशानेबाजों ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। तो वर्ण तोमर यहाँ पे आप देख सकते हैं, अरुण वरुण तोमर और अर्जुन सिंह चीमा और उज्जवल मलिक की भारतीय टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ईरान ने रजत पदक जीता, वहीं कोरिया ने कांस्य पदक जीत हासिल की है। बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर की, तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में जो है सबसे छोटा 107 ओवर का क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने जो है टेस्ट के साथ ही वनडे की से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। सोनी स्पोर्ट्स ने कार्तिक आर्यन को फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और साक्षी मलिक ने रेसलिंग से इस्तीफा दे दिया है। अमिताभ बच्चन जी जो हैं इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, चक्रवात अल्वोरो ने किस देश को प्रभावित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर को प्रभावित किया है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वोरो मेडागास्कर में मोरम्बे में आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस चक्रवात के कारण 16,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और इस आपदा के कारण 8,400 लोग विस्थापित हुए हैं। अब बारी है रिवाइज करने की। फ्रेंड अगर आप मिर्चल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड इस चैनल के द्वारा आज अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिल रही है आपके पढ़ाई में तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसलिए रिवाइज कराया जाता है ताकि आपको अच्छे से याद रहे और आपको जो है प्रैक्टिस हो आपको, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर आता जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है भारत पाक किस देश में खोला जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खोला जाएगा। कौन मिसेस इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपिका ग्रोवर बनी है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासशील बने हैं। प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 किस दिन जो है लैंगर पॉइंट 1 पर पहुंचा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जनवरी 2024 को पहुंचा है। वर्ष 2022-23 में भारत के खिलौने के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 239% की वृद्धि हुई है। WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंथिल पांडियन सी बने हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसरो ने किया है। पॉलिज फंगाथंसी मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में शुरू किया गया है। गुजरात ग्लोब इन्वेस्टर्स समिट के जो है मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रो फियाला शामिल होंगे। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 में जो चक्रवात आए थे, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस
डिस्कस करने वाले हैं। तो 2023 में जो चक्रवात आए थे, पहला चक्रवात है मिचोंग, जिसका नामकरण जो है म्यांमार ने दिया था, और प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और ओडिशा। उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, बंगाल की खाड़ी से। 2023 में हिंद महासागर में उठने वाला यह छठा और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चौथा चक्रवात है मिचोंग, ठीक है। और चक्रवात तेज की अगर हम बात करें तो इसका नामकरण जो है किसने किया था, कौन से देश ने, भारत ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, पूछा जाता है कि इसका नामकरण किसने किया था, यानी कि मिचोंग का नामकरण किसने किया था, तेज का नामकरण किसने किया था, ठीक है, और प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे। तो देखिएगा, तेज का जो प्रभावित क्षेत्र था यमन और ओमन था। उत्पत्ति जो है अरब सागर से हुई थी। हम बात करते हैं नेक्स्ट तूफान की, तो हामून तूफान, ठीक है, इसका नामकरण ईरान ने किया था। उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, बंगाल की खाड़ी से। प्रभावित क्षेत्र बांग्लादेश से। चक्रवात मिथिली, ये जो है नामकरण मालदीव ने किया था। उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, बंगाल की खाड़ी से। प्रभावित क्षेत्र बांग्लादेश से। और विपरजॉय तूफान, ये जो है इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। और प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और पाकिस्तान। उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, अरब सागर से हुई थी, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट तूफानों की लिस्ट, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी मददगार रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में डेली करंट अफेयर के पीडीएफ नोट्स डल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और हाल ही में किए गए नियुक्तियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।